हेलो एथलीट, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विथ अविनाश। अभी अभी जस्ट हमने और अद्विक ने 1 किलोमीटर का वॉक रन कंप्लीट किया है एंड टुडेज वीडियो इज अबाउट गोवा 70.3 आयरन मैन डिस्टेंस। सो अगर आप अपने फर्स्ट आयरन मैन 70.3 डिस्टेंस को कंसिडर कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ रनिंग कर रहे हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं और अपने एडवेंचर को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, सो गोवा 70.3 आयरन मैन से बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकता इंडिया में। सो आज के वीडियो में मैं आपको वो 5 से 6 पॉइंट बताऊंगा कि आपको गोवा आयरन मैन 70.3 क्यों सेलेक्ट करना चाहिए अपने फर्स्ट आयरन मैन 70.3 डिस्टेंस को कम्प्लीट करने के लिए और आई शुड से कि अर्न करने के लिए। द फर्स्ट पॉइंट इज कि गोवा इज द टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया। सो अगर आप किसी भी इंडियन से पूछेंगे कि अगर आपको कोई एक दो प्लेस बताएं जहां पे आप इंडिया में ट्रैवल करना चाहते हैं, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली एक प्लेस उसमें से गोवा होगा। बिकॉज गोवा इज नोन फॉर इट्स बीचेस, इट्स एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, काफ़ी सारे लोकल कुजींस के बारे में। बट ये सब एक्सप्लोर करने के साथ साथ अब आपके पास एक और मौका है, एक और रीज़न है गोवा विजिट करने का अपने फैमिली के साथ, कि आप उनके सामने अपने एडवेंचर, अपने एंड्योरेंस को शोकेस कर सके, फैमिली के सामने आयरन मैन या इस टाइप के इवेंट्स को ख़त्म करने का मज़ा ही कुछ और होता है। सो गोवा विल गिव यू अ परफेक्ट डेस्टिनेशन टू इंजॉय विथ योर फैमिली एंड टू गेन अ रिस्पेक्ट, टू शोकेस योर capability, your endurance, your adventure nature to your family, to your supporters. तो जो second reason है वो है new bike route, क्योंकि काफ़ी दो edition से लोगों का ये concern था कि routes bike के थोड़े complicated हैं। इस time उसको उन्होंने simplify कर दिया है। दो simple loops हैं, straight loops हैं, जहाँ पे आपको speed gain करने का, momentum gain करने का काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा। प्लस जो जुआरी ब्रिज है गोवा का, जिस पर पहली बार आपको साइकिलिंग करने का मौका मिलेगा, एंड आप कुछ साइकिलिस्ट में से होंगे जिन्होंने जुआरी ब्रिज पर पहली बार साइकिलिंग की होगी या अपने रेस को फिनिश किया होगा। द नेक्स्ट रीज़न इज कि दिस टाइम गोवा आयरनमैन 70.3 इज स्पेशली डेडिकेटेड टू और फोकस टूवर्ड्स द फर्स्ट टाइमर्स। आपको वो सारे फैसिलिटीज़ आप वहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि एज ए फर्स्ट टाइमर आपके लिए कंसर्न होते हैं। आपको डाउट होता है कि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ, क्या मुझे ये मिलेगा, क्या मुझे वो मिलेगा, कैसे मेरी स्विमिंग की रहेगी, कैसा वहाँ पे फर्स्ट टाइमर्स के लिए इन्फॉर्मेशन आपको मिलना रहेगा, वो सब कुछ आपको वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो द बिकॉज द फर्स्ट टाइमर इज़ देयर फोकस, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस दिस टाइम। सो दिस टाइम वुमेन्स ट्राइथलीट और वुमेन्स एथलीट आर ऑल्सो द फोकस फॉर आयरन मैन गोवा 70.3। तो अगर आप सोलो करना चाहते हैं, इफ़ यू आर डिटरमाइंड कि आपको खुद से 70.3 डिस्टेंस फिनिश करना है, अर्न करना है आयरन मैन टाइटल, तो भी आप प्रिफर कर सकते हैं। या फिर अगर आप अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक टीम बना के रिले फॉर्मेट में 70.3 डिस्टेंस कवर करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। सो वुमेन्स ट्रायथलीट और एथलीट is the focus for Goa Ironman 70.3 this time, so you can expect a wonderful experience because this is the event they are going to dedicate to women's triathlete. So this time the route is also going to be very scenic. Aap Miramar beach pe ek bahut hi cool water temperature ke sath, bahut hi warm water temperature ke sath आपको स्विमिंग करना होगा। जैसे ही आप स्विमिंग करके बाहर आएंगे, आप सीधे गोवा सिटी से होके जुआरी ब्रिज से होते हुए दो लूप साइकिलिंग का बहुत ही सीनिक रूट पे करेंगे, एंड जब आप साइकिलिंग फिनिश करेंगे तो रनिंग के लिए ऑन द साइड्स ऑफ मीरामार बीच जो साइड्स के रोड होंगे उस पर आपको 3 लूप करना है। तो जो रूट है यू कैन एक्सपेक्ट इज अ वेरी सीनिक रूट इन द हॉटेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया, सो दिस इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर यू। अनदर यूएसपी इज कि अगर आप 70.3 डिस्टेंस करना चाह रहे हैं तो इंटरनेशनल लेवल का इवेंट इंडिया में सिर्फ गोवा आयरन मैन 70.3 है। बाकी इंटरनेशनली कहीं भी आप जाएंगे आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आएगा, ट्रैवलिंग करने के लिए काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, बाइक ट्रांसपोर्ट एंड ऑल दो सॉर्ट्स, होटल स्टे, वो सब भी कन्वर्जन रेट्स के कारण काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो अगर आप अपना पहला
70.3 डिस्टेंस कवर करना चाहते हैं तो गोवा कैन बी अ बजट फ्रेंडली ऑप्शन फॉर यू। आपके लिए जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है दैट इज ऑलमोस्ट सेम ऑल अक्रॉस द ग्लोब, तो वो तो कॉन्स्टेंट रहेगा, बट जो ट्रैवलिंग, जो एकोमोडेशन, स्टे का जो अरेंजमेंट होता है वो आपको बहुत ईजली हो जाएगा। एंड गोवा बीइंग अ इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ पे है, रेल्स की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है इंडिया में हर जगह से, सो आपको ज़्यादा रिमोट में ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। इट्स इन द सेंटर, मीरामार बीच और द डेस्टिनेशन, द वेन्यू ऑफ गोवा इज हार्डली 2-3 किलोमीटर अवे फ्रॉम द लोकल रेलवे स्टेशन एंड 5-10-15 किलोमीटर फ्रॉम द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सो ट्रैवलिंग वाइज इट इज़ ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट। सो वेट करने का मुझे कोई रीज़न समझ में नहीं आता, आपको मैंने सारे USP, सारे फीचर, सारे हाईलाइट्स बता दिए हैं, तो चेकआउट द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड रजिस्टर योर सेल्फ फॉर आयरन मैन 70.3 गोवा विच इज़ गोइंग टू हैपन ऑन October 27, 2024। अपने एडवेंचर को एक नया लेवल दीजिए, अपने एथलेटिक जर्नी को एक नया माइलस्टोन दीजिए एंड फिनिश कीजिए गोवा 70.3 आयरन मैन इन अ ऑसम कूल एटमोसफेयर ऑफ गोवा।